सो लास्ट क्लास में अब तक हम जो पढ़ चुके हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था और क्वांटम इफेक्ट था, साथ में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी पढ़ लिया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन। दोनों प्रोसेस जो है एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, तो अगर आपको पेयर प्रोडक्शन समझ में आ जाता है तो पेयर एनिहिलेशन आराम से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करता हूँ, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गेट वगैरह में, इसलिए दोनों टॉपिक्स पे कर लेते हैं जरूर। टॉपिक का नाम है बेटा पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन। इस पेयर प्रोडक्शन का जो दूसरा नाम है इसको हम कह सकते हैं मेटरलाइजेशन ऑफ रेडिएशन। समझेंगे इसका मतलब रेडिएशन। देखो आइंस्टीन ने इक्वेशन दी थी, आपको याद हो कि E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। एक्चुअली ये इक्वेशन ये कहती थी कि हर एक रेडिएशन को हम एज ए फोटोन समझ सकते हैं, मतलब रेडिएशन बिहेव लाइक ए, वी कैन से दैट ए पार्टिकल, एंड पार्टिकल बिहेव लाइक ए रेडिएशन। ठीक है, तो ये इंटर कन्वर्टेबल चीज है, मतलब कोई भी जो मैटर है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहती है, क्योंकि देखो मास किस में होगा, मास एक पार्टिकल में होगा और एनर्जी तो एक रेडिएशन के अंदर भी होती है। तो ये इक्वेशन एक्चुअली ये सिग्निफाई करती है, आइंस्टीन का ये कॉन्सेप्ट सिग्निफाई करता है कि एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टेबल, आर इंटर कन्वर्टेबल। इसका मतलब समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसका मतलब है कि एक रेडिएशन जो है वो मैटर में कन्वर्ट हो सकती है और एक मैटर एक रेडिएशन में कन्वर्ट हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन कहती है। कोई आपसे पूछे इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर का रियल मीनिंग क्या है, वो हमें क्या बताती है, तो ये यही बताती है कि रेडिएशन एंड मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल। अब समझते हैं पेयर प्रोडक्शन क्या है। तो पेयर प्रोडक्शन एक तरीका है रेडिएशन को मैटर में, एक्चुअली मैं ये कह रहा हूं ना कि रेडिएशन मैटर में कन्वर्ट हो सकती है, मैटर रेडिएशन में कन्वर्ट हो सकता है, इनके पीछे के लॉजिक्स के साथ कह रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, और वो एक्सपेरिमेंट प्रूफ भी मैं आपको करवा रहा हूँ। एक तो पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन। सो पेयर प्रोडक्शन मेनली क्या है, मैं अगर डेफिनेशन आपको लिखवाऊं तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। पेयर प्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल। एक पार्टिकल होता है और उसके साथ उसका एंटी पार्टिकल होता है, जैसे कि एक एनर्जी होती है, एक डार्क एनर्जी होती है, हर एक पॉजिटिव चीज के साथ उसकी एक नेगेटिव चीज जरूर जुड़ी होती है। तो पार्टिकल के साथ एसोसिएट क्या होता है, एक एंटी पार्टिकल। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आपने कभी पढ़ा हो टाउ, एक पार्टिकल है टाउ पार्टिकल, ठीक है, इसका एंटी पार्टिकल क्या है, दिस वन, दिस इज द एंटी पार्टिकल। बाहर लगा दिया तो क्या हो गया, एंटी पार्टिकल। जब एंटी पार्टिकल बनता है तो क्या सिर्फ और सिर्फ एक चीज में बदलाव आता है, वह उसकी स्पिन। ठीक है ना, तो स्पिन अगर प्लस हाफ है तो दूसरे की स्पिन क्या हो जाएगी, माइनस हाफ हो जाएगी। एंटी पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा उनका मास सेम रहता है, ठीक है ना, सिर्फ जो बदलाव आते हैं वो उसकी स्पिन के अंदर बदलाव आते हैं। अगर पार्टिकल की स्पिन प्लस हाफ है तो एंटी पार्टिकल की स्पिन क्या हो जाएगी, माइनस हाफ हो जाएगी। तो ये फिनोमेना होता है, जिस फिनोमेना में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल। बेटा पार्टिकल का ही एंटी पार्टिकल बनेगा, यानी पार्टिकल कोई और है और एंटी पार्टिकल किसी और का है, ऐसा नहीं, पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल। ठीक है, बाय द रेडिएशन ऑफ, आप जस्ट देख सकते हो, रेडिएशन इज कॉल्ड
पीयर प्रोडक्शन। तो बेटा पेयर का प्रोडक्शन हो गया। पेयर अगर मैं बार बार जो शब्द यूज कर रहा हूं, पेयर पेयर मतलब वन इज द पार्टिकल एंड उसका एंटी पार्टिकल। पेयर का मतलब है अगर एक पार्टिकल है तो दूसरा क्या है बेटा, उसका एंटी पार्टिकल। जब हम न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स पढ़ते हैं तो जब वहां पर हम पार्टिकल पढ़ेंगे तो हर पार्टिकल के कोरस्पॉन्डिंग एक एंटी पार्टिकल होता है। ये सारी चीजें बेटा वहां पर हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना ही समझो कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों का मास सेम रहता है एंड द डिफरेंस इज इन द स्पिन। स्पिन में उसका क्या रहेगा बेटा डिफरेंस। अगर एक क्लॉकवाइज टर्न करेगा तो ये दूसरा एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा, ये फर्क होता है। तो पेयर प्रोडक्शन मतलब एक पेयर का प्रोडक्शन हुआ है, एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का क्या हुआ है प्रोडक्शन। किसकी वजह से बेटा, रेडिएशन की वजह से। तो रेडिएशन इज कन्वर्टेड इनटू द पार्टिकल। तो बेटा क्या आप यहां पर ये नहीं कह सकते रेडिएशन मींस वी कैन से दैट द एनर्जी, रेडिएशन का मतलब मैं ये भी कह सकता हूं एनर्जी एंड इट कन्वर्ट इनटू द वी कैन से दैट मास, है ना। तो रेडिएशन आपकी किस में कन्वर्ट होगी बेटा, मास, है ना। दैट इज द कन्वर्जन ऑफ, आप लिख सकते हो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मास। तो वो जो फिनोमेना है जो मैंने कहा था कि रेडिएशन मैटर में कन्वर्ट हो सकती है, या मैं इसको अलग भाषा में लिखवा दो, एनर्जी जो है बेटा वो आपका मास में कन्वर्ट हो सकती है। क्योंकि ये रिलेशन यही कहती है, यहां मास है एम मास और ये क्या है ई एनर्जी। तो एनर्जी एंड मास आर रिलेट विद ईच अदर, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। तो एनर्जी मतलब रेडिएशन मास में कन्वर्ट होगी, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट होगी। तो ये पेयर प्रोडक्शन एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है किस चीज का, कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, उस चीज का प्रूफ है कि पेयर प्रोडक्शन में हो रहा है। नेचुरली ये पेयर प्रोडक्शन नाम का फिनोमेना अक्सर हमारा देखा जाता है। तो करते हैं इस चीज को और अच्छे से पढ़वाता हूं मैं आपको। सबसे पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया बेटा? हाँ जी बोलिए। अब देखो बेटा, वी कैन से दैट, और एक बार देख लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा, आपने डेफिनेशन नोट कर ली बेटा, आपने ये सारे डेफिनेशन? यस सर। यस सर। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे होता होगा। सपोज करो ये रेडिएशन थी, ये रेडिएशन आई, से द एनर्जी इज एच न्यू और ये एक न्यूक्लियस पे गिरी। अब एक बहुत अच्छी फिनोमेना यहां पर मैं बताऊंगा कि न्यूक्लियस की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप न्यूक्लियस को नहीं लोगे तो भी एनर्जी आपकी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, बताओ जल्दी से, मैटर में कन्वर्ट हो जाएगी। न्यूक्लियस की प्रेजेंस तो होनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस जो रेस्ट पर है बिल्कुल, और इस पर ये फोटोन टकराया और टकराने के बाद न्यूक्लियस तो एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। हाँ जरूर इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी, जरूर कुछ ना कुछ मूवमेंट होने लग गया होगा, प्लस एक आपका पार्टिकल, वन इज द पार्टिकल, तो मैं इन जर्नल बनाता हूं बेटा, वन इज द पार्टिकल, द पार्टिकल इज से इलेक्ट्रॉन, है ना, और भी कोई हो सकते हैं, मैं आपको जस्ट एक हिंट दे रहा हूं, से इलेक्ट्रॉन प्लस उसका एंटी पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, ठीक है ना। दोनों का मास सेम होता है, चार्ज जो है वो अपोजिट होता है, स्पिन जो होती है वो क्या होती है बेटा, अपोजिट होती है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको उदाहरण बताया, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, उसका एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, एक पार्टिकल है तो दूसरा उसका एंटी पार्टिकल। मेनली पार्टिकल और एंटी पार्टिकल को अगर हम यहां लिखना चाहें, इधर पार्टिकल है और ये एंटी पार्टिकल है, तो बेटा पहली चीज जो
दोनों के अंदर मास m है तो यहां भी मास m रहेगा, ठीक है ना, दोनों के अंदर मास सेम रहेगा। अगर चार्ज यहां आपका q है तो दूसरी चार्ज कितना रहेगा, माइनस q रहेगा। एक तरफ जो चार्ज है बेटा वो क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। स्पिन अगर देखें तो एक साइड अगर s है तो दूसरी साइड माइनस s स्पिन हो जाएगा। तो स्पिन एंड चार्ज ये तो क्या करते हैं बेटा, चेंज कर जाते हैं, द मास विल रिमेन सेम। ओके, ये पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में डिफरेंस की बात मैंने कर दी। अब बेटा समझो इस फेनोमेना, देखो रियलिटी आपको मैं बताता हूं। अभी तक हमने तीन इफेक्ट पढ़े हैं मेनली। वन इज द वी कैन से दैट फोटोइलेक्ट्रिक, सेकंड इज द कॉम्पटन, और आज हम पढ़ रहे हैं पीयर प्रोडक्शन। ये जो तीनों इफेक्ट है बेटा ये आपके साइमल्टेनियसली होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। ये जाता साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियसली का मतलब देखो हो तो वो ही रहा है ना, एक फोटोन गिर रहा है किसके ऊपर, एक एटम के अंदर उसी पे गिर रहा है। याद करो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता था, अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक चीज आती थी कि आपका जो फोटोन है वो क्या हो जाता बेटा, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता था। फोटोन कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन, भैया इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता था और कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर चला जाता था। ऐसा ही होता था बेटा बोलो। और इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या होते थे, आर बाउंडेड, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट में फोटॉन्स कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होते थे, फोटॉन्स आर नॉट कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो क्या होते थे बेटा, फ्री होते थे। अब बात करो अगर पेयर प्रोडक्शन की तो इसमें भी बेटा फोटोन आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब किसके द्वारा, बाय द न्यूक्लियस। अब की बार इलेक्ट्रॉन किसको लेना लेना नहीं, फोटोन न्यूक्लियस पे गिरा है और न्यूक्लियस ने उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब किया है और फिर वहां से बेटा न्यूक्लियस रह गया और वहां से आपके पार्टिकल और एंटी पार्टिकल निकले। तो न्यूक्लियस तो एज इट इज रह गया जैसा था, लेकिन ये जो रेडिएशन थी उसका पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की क्या हो गया बेटा, फॉर्मेशन। तो फोटोन आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय द न्यूक्लियस एंड देन रेडिएशन कन्वर्ट इनटू पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। तो बेटा ऐसा नहीं है कि फिनोमेना अलग अलग होते हैं, कोई कंडीशन है, ये ऑल फिनोमेना अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है। हाँ किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो आपका कॉम्पटन इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा, जब इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो पेयर प्रोडक्शन डोमिनेट कर जाता है। होते ये तीनों इफेक्ट आपके साइमल्टेनियसली है, हाँ किसी बार आपका कोई डोमिनेट कर जाएगा, कभी कोई डोमिनेट कर जाएगा। तो ऑल थ्री इफेक्ट्स आर हैपन साइमल्टेनियसली। एक साथ होते हैं, ठीक है ना, कभी कोई डोमिनेट कर जाएगा, कभी कोई डोमिनेट कर जाएगा, लेकिन होते सारे, ठीक है। किसी में कॉम्पटन आपको कम दिखने को मिलता है, पेयर प्रोडक्शन ज्यादा दिखने को मिलता है, कई बार आपको पेयर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा दिखता है, और इफेक्ट दिखते ही नहीं है। तो होगा सब में, लेकिन बेटा किस डोमिनेशन का फैक्टर अलग अलग आ जाता है। तो तीनों ही इफेक्ट एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, कैसे, फोटोन गिर रहा है, एक बार कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया, एक बार पार्शियली एब्जॉर्ब हो गया इलेक्ट्रॉन्स द्वारा, एक बार बेटा न्यूक्लियस द्वारा। तो कई बार मैं आपको एक बात बताता हूं, एक बार ये पूछा गया एक इंटरव्यू के दौरान की बात कर रहा हूं कि
एक फोटोन जब गिरता है तो क्या क्या होता है, फोटोन मैटर के साथ कैसे कैसे इंटरेक्ट करता है। तो मैंने जवाब यही दिया कि जब फोटोन जो है कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए इलेक्ट्रॉन्स द्वारा और इलेक्ट्रॉन उसकी कुछ एनर्जी लेकर बाहर निकल जाए कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो उस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। वो भी एक इंटरेक्शन है फोटोन की मैटर के साथ। अगर ऐसा हो कि क्वांटम आपका जो फोटोन है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब ना हो, वो स्ट्राइक करे इलेक्ट्रॉन को खुद भी निकल जाए और इलेक्ट्रॉन को भी निकाल दे, तो ऐसे इफेक्ट को हम क्वांटम कहते हैं। ये भी एक इंटरेक्शन का तरीका है। या हो सकता है कि फोटोन कंप्लीटली न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट कर जाए और वहां से पार्टिकल और एंटी पार्टिकल बन जाए। फिर जवाब ये आता है कि क्या न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और एंटी पार्टिकल निकलते हैं? नहीं, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन थोड़ी होंगे, वो कन्वर्ट हुए हैं रेडिएशन द्वारा। न्यूक्लियस जस्ट एक मीडियम का काम कर रहा है, एक मीडियम दे रहा है ना कि जिस पर ये काम हो रहा है। न्यूक्लियस इज जस्ट एक्ट एज ए मीडियम। विदाउट प्रेजेंस ऑफ दिस न्यूक्लियस ऐसा नहीं होता कि रेडिएशन आपका इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में बदल जाए। विदाउट प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इट इज नॉट पॉसिबल। विदाउट न्यूक्लियस ऐसा नहीं हो सकता कि रेडिएशन जो है वो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में बदल जाए। ठीक है, विदाउट न्यूक्लियस ऐसा नहीं हो सकता। तो एक मैटर के साथ एक जो रेडिएशन है वो जो इंटरेक्ट करती है वो तीन तरीके से करती है, फोटो इलेक्ट्रिक, क्वांटम और पेयर प्रोडक्शन। हाँ, अब ये कहे कि किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा? जहां पर एक्सरे हम डाल रहे हैं तो हमने देखा था कि जब हम एक्सरे वगैरह डालते हैं तो क्वांटम इफेक्ट ज्यादा मैटर करता है। अल्ट्रा वायलेट रेज और इसकी बात करते हैं तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करता है, और अगर इससे भी ज्यादा एनर्जी की बात करेंगे तो पेयर प्रोडक्शन ज्यादा मैटर करेगा। तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी और जो मैटर है उसका बिहेवियर दोनों ही डिसाइड करते हैं कि आपका जो इफेक्ट है वो कौन सा डोमिनेट करेगा, लेकिन होंगे तीनों एक साथ। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था, इंट्रैक्शन ऑफ वी कैन से दैट रेडिएशन विद द मैटर में तीन चीजें आते हैं। क्लियर बेटा, यहां तक समझ में आ गया आपको? बोलिएगा। यस सर। ओके, अब मैं आपको समझाता हूं कि और आगे क्या क्या करना है हमें, एनर्जी कंजर्वेशन लॉज को लगाना है। तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं आगे प्रोसीड करता हूं। हाँ बोलो बेटा, बोलो प्लीज। सर, मैं इसमें पेयर प्रोडक्शन में न्यूक्लियस ले रखे हैं, तो अगर मतलब इसमें है ना इलेक्ट्रॉन वगैरह तो प्रेजेंट होते नहीं सर न्यूक्लियस में, तो अगर न्यूक्लियस की जगह हम कुछ और लें तो भी पॉसिबल है क्या? एक्चुअली हमें जो आपका जो मीडियम है, जो टारगेट है, वो टारगेट ऐसा चाहिए जो टारगेट का मास ज्यादा हो, है ना, जिसका मास ज्यादा हो, ऐसा टारगेट चाहिए। और पूरे एटम में सबसे ज्यादा जो मास होता है वो आपका न्यूक्लियस का होता है, न्यूक्लियस के ऊपर सारा मास कंसंट्रेट होता है, इसीलिए ये इफेक्ट आपका न्यूक्लियस पे होता है। मैंने अगेन कहा न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन नहीं निकल रहे, न्यूक्लियस तो जैसा था वैसा ही है। हो क्या रहा है, जो रेडिएशन थी, जो एनर्जी थी, दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। ये एनर्जी पार्टिकल में और एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट हो गई। यही तो है कमाल का इफेक्ट जो क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्लासिकल कह ही नहीं सकती, आप क्लासिकली सोच ही नहीं सकते कि किस तरीके से एक एनर्जी पार्टिकल में बदल गई, ऐसा इम्पॉसिबल लगेगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल ये पॉसिबल है, ये एक्सपेरिमेंटली ये चीजें जो है वो नोटिस की गई। और बेटा ये इलेक्ट्रॉन और मैं जो पॉजिट्रॉन बनाया, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल बनाया, ये ऐसा नहीं है कि एक बार फॉर्म हो गए तो हमेशा ही फॉर्म, ये कुछ पल भर के लिए फॉर्म होते हैं, आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोबारा से क्या कर जाते हैं, मिक्स कर जाते हैं और फोटोन निकल जाते हैं। तो गिरा फोटोन, निकला फोटोन, लेकिन उस बीच में जो प्रोसेस हुआ उसमें आपका पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की फॉर्मेशन हुई। तो जब वो फोटोन से पार्टिकल और एंटी पार्टिकल बने, उस फिनोमेना को पेयर प्रोडक्शन कहा गया, और वो जो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल बाद में मिलके फोटोन बना देंगे उसको हम पेयर एनहिलेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो पेयर प्रोडक्शन ये नहीं कि एक बार रेडिएशन ने पार्टिकल और एंटी पार्टिकल हमेशा के लिए बना दिया, ऐसा नहीं होता। कुछ सेकंड के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की प्रेजेंस दिखी एक्सपेरिमेंट में।
है ना, तो दिस ये कंफर्म करता है कि द रेडिएशन कन्वर्टेड इनटू द पार्टिकल्स. क्लियर बेटा? न्यूक्लियस इसलिए लेते हैं बिकॉज इट हैविंग द लार्ज मास. हाँ बोलो बोलो बेटा. सर ये जो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल है, इनपे चार्ज तो अपोजिट है, ठीक है सर, तो और ये भी एक साथ हैं, तो सर है ना ये न्यूट्रल क्यों नहीं हुए बेटा? सर चार्ज और निकले भी एक साथ हैं फोटोन से, तो सर ये न्यूट्रल क्यों नहीं हुए सर? न्यूट्रल है, द होल सिस्टम इज न्यूट्रल. ये जो पूरा सिस्टम देखो, एक चीज थोड़ी निकली है, दोनों चीजें निकली है ना. तो द होल सिस्टम चार्ज देख सकते हैं. देखो मैंने कहा एनर्जी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हुई है मास में. क्या मैंने ये कहा कि एनर्जी कन्वर्ट हुई है चार्ज में? ओवरऑल चार्ज रिमेन सेम. देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव है तो आपका एंटी पार्टिकल पे पॉजिटिव है, तो पार्टिकल पे नेगेटिव है, तो चार्ज न्यूट्रल ही है. चार्ज प्रोडक्शन नहीं हुआ, चार्ज सिर्फ मास की प्रोडक्शन हुई. मास ऑफ पार्टिकल का अलग मास होगा, एंटी पार्टिकल का मास होगा, ओवरऑल कोई मास बना है इससे, इस एनर्जी से चार्ज नहीं बना. ओवरऑल देखिए, पार्टिकल अकेला नहीं बना, एंटी पार्टिकल अकेला नहीं बना, दोनों एक साथ बने, समझे? तो एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास, नॉट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द चार्ज. चार्ज में प्रोडक्ट, इसीलिए बेटा पार्टिकल जो है उसका एंटी पार्टिकल बना, ताकि चार्ज दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर. क्लियर? अब बताइए. चलो तो आगे अब इसका थोड़ा मैथमेटिकल काम करते हैं कि कब ये इफेक्ट जो है आपका जो है दिखने को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होगा. तो एक बार फिनोमेना को दोबारा बताता हूं कि ये फोटोन था विद हैविंग सम एनर्जी एच न्यू, और वो किसी न्यूक्लियस पर टकराया. This is the nucleus, जो रेस्ट पर था. और इससे क्या हुआ, जब किसी चीज पर टकराएगा तो न्यूक्लियस खुद कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ आ जाएगा, न्यूक्लियस की खुद मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगी, कुछ मोमेंट. और साथ में ये जो रेडिएशन था वो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में बदल गया, तो से E and E plus. Okay? मैं ये लेकर चलता हूँ और इसको समझा. अब समझिएगा बेटा, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन. हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, तो एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है कि बिफोर जो फिनोमेना, बिफोर जो कोलिजन जो आपका एनर्जी आया, वो आफ्टर कोलिजन एनर्जी सेम रहेगा. ठीक है, तो बिफोर एनर्जी बेटा बताओ, बेटा फोटोन के पास एनर्जी कितनी है बिफोर? दैट इज द एच न्यू. क्लियर? प्लस बेटा न्यूक्लियस रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर कौन सी एनर्जी आती है बताओगे मेरे? हाँ जी, कोई चीज रेस्ट पर हो तो उसकी एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे? रेस्ट मास एनर्जी, दैट इज एम एन सी स्क्वायर. दिस इज द रेस्ट मास एनर्जी. ये क्या है? रेस्ट मास एनर्जी. वो चीज रेस्ट पर होती है तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी आप क्या इज इक्वल टू न्यूक्लियस बेटा मूवमेंट करने लग गया, तो मूवमेंट करने लग गया तो टोटल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन भी मूवमेंट कर रहा होगा तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन. ठीक है ना बेटा? ये अब हम इसको पूरा थोड़ा अच्छा से लिखता हूं. एच न्यू प्लस रेस्ट मास एम एन सी स्क्वायर इज इक्वल. बेटा टोटल एनर्जी क्या होती है? मैंने कल भी बताया था दैट टोटल एनर्जी किसी पार्टिकल पर रहेगी रेस्ट मास प्लस काइनेटिक एनर्जी. न्यूक्लियस की रेस्ट मास दैट इज द एम एन सी स्क्वायर प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस. सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन का पूछा जाए तो रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एम ए सी स्क्वायर प्लस आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इस वन प्लस पॉजिट्रॉन एम ई प्लस. हालांकि मास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पे सेम रहता है तो बोथ थिंग्स विल बी सेम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन. या थोड़ा सा सोल्व करते हैं. सो बेटा ये इससे कट गया है दोनों साइड,
है ना, रेस्ट मास एनर्जी एक दूसरे से कट गया, और दोनों का मैंने बताया था पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल हैविंग द सेम मास, ये क्या गया बेटा, दैट इज द ट्वाइस, ये क्या बन गया ट्वाइस। बाकी इक्वेशन बनी एच न्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम ई सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। दिस इज द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हमने किस तरीके से लगाया, बताओ बेटा ये इक्वेशन क्लियर है सभी को? हाँ जी यस सर। अब देखिए अब एक कंडीशन आई कि ये जो फोटोन है, इंसिडेंट जो फोटोन है, इसकी मिनिमम कितनी एनर्जी ले कि पेयर प्रोडक्शन हो जाए, है ना। एक मिनिमम एनर्जी तो हमें पता होना चाहिए कि उस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी तभी आपका पेयर प्रोडक्शन नाम का फिनोमेना होगा, वरना पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इंसिडेंट फोटोन सो दैट फोटो पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस, तो मिनिमम एनर्जी कितनी है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे टर्न करता हूं। मैं निकालना चाहूंगा कि मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन सो दैट पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस। कितनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए कि पेयर प्रोडक्शन हो जाए, ठीक है। तो हमने अभी अभी एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा कि द एच न्यू इज ट्वाइस ऑफ एम ई सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन। नाउ अगर बेटा मैं कहूं कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है बेटा, तो बच्चा बताएगा मिनिमम काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल की कितनी हो सकती है? हाँ जी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकती है। कैसे? अरे मिनिमम मतलब ये हो सकता है कि जस्ट वो निकला है, उसमें कोई भी वेलोसिटी नहीं आई है, तो द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी शुड बी जीरो। अगर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? द एच न्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम ई सी स्क्वायर, द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। तो एच न्यू आपका जस्ट क्या आ गया बेटा, twice of mc square। it means minimum energy ek incident photon ke paas kitni honi chahiye, the twice of mc square, twice of the rest mass energy of the electron, rest mass energy of electron se zyada honi chahiye ya uske barabar honi chahiye, usi ke baad pair production hoga, warna pair production possible nahi। to kya likhenge? the minimum energy of incident photon should be equal to the twice of rest mass energy of electron। The minimum energy should be, we can say that the rest mass of the, we can say that electron। तो अगर मैं उस minimum energy को निकालना चाहता हूँ तो निकालो बेटा। 2, the mass of electron is 9.1 into 10 raised to power minus 31 and the c is 3 into 10 raised to power। बेटा कितना आएगा 3 into 10 raised to power, बताना जरा कोई बच्चा। हाँ जी 8, very good। अपॉन बेटा ये जो एनर्जी है ये आपकी जूल में आएगी,
तो जूल में बदलने के लिए उसको क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻¹⁹. बताओ बेटा कितना आ रहा है, 2 × 9.1 × 9 × 10⁻³¹⁰ 31 × 10⁻¹⁸ 16 डिवाइड बाई 1.6 और इंटू हो गया 10⁻¹⁹. सोल्व करना बेटा कितना आ रहा है, जो भी आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा. बताओ जरा कितना आया, बताओ बेटा. सर 102.375. 102. आगे बोलो बेटा. 375. यार पॉइंट नहीं आ रहा, पॉइंट कहाँ रहा सर? 102. अच्छा, इनटू में कुछ है सर? 10⁴. सर इसको मेगा में कन्वर्ट कर लीजिए, वो इलेक्ट्रॉन बात. इसको हम लिख सकते हैं 1.0 इनटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन, और 10⁶ का हो गया मेगा इलेक्ट्रॉन. आप देख सकते हो पेयर प्रोडक्शन होने के लिए मिनिमम एनर्जी मुझे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो बहुत ज्यादा एनर्जी पर जाकर पेयर प्रोडक्शन होता है. फोटो इलेक्ट्रिक में जो एनर्जी चाहिए होती थी बेटा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमें यूवी जो एनर्जी होती थी उतनी एनर्जी चाहिए होती थी फोटो इलेक्ट्रिक में. तो यूवी एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू जब क्वांटम हमने पढ़ा, ये फोटो इलेक्ट्रिक की बात कर रहे थे. तो क्वांटम पढ़ा तो मैं एक्सरे की बात कर रहा था, गामा रेज की बात कर रहा था. एक्सरे और गामा रे की यूवी से ज्यादा ही होती है बेटा. और जब मैं पेयर प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ तो मुझे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी चाहिए जो इनसे भी कहीं ज्यादा होती है. ठीक है ना बेटा? तो आप एनर्जी के बेसिस पर भी देख सकते हो, सबसे कम एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक में, आफ्टर दैट क्वांटम में, एंड देन पेयर प्रोडक्शन. ठीक है? तो अगर कोई कह दे कि हमारे पास 3 एनर्जी है, बताओ पेयर प्रोडक्शन कहाँ डोमिनेट करेगा? तो जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी होगी वहां पर पेयर प्रोडक्शन डोमिनेट करेगा. क्लियर बेटा? बताओ ये चीज समझ में आ गई यहां तक, आगे चलूंगा. सो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, तो एक इंसिडेंट फोटोन के पास मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए बेटा? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तभी आपका पेयर प्रोडक्शन होगा, अन्यथा पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा. ये बात कहना चाहता हूं. क्लियर? एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे हम इस चीज को समझते हैं. बेटा आगे चले, बताइए. यस सर. अब एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, ये सब करवाते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये हर बुक में ये क्वेश्चन है. क्या? कि अगर मेरे पास इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी, इफ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, मतलब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल कह सकते हैं हम, पॉजिट्रॉन पेयर आर फॉर्म, कितने पेयर फॉर्म. तो बेटा सॉल्यूशन देख लीजिएगा, एक पेयर को प्रोड्यूस होने के लिए है ना बेटा, एनर्जी रिक्वायर टू प्रोड्यूस वन पेयर, एक पेयर प्रोड्यूस होने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए बेटा, बताओ जल्दी से. हाँ जी बेटा, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अरे मिनिमम एनर्जी यही तो होती है जब एक पेयर प्रोड्यूस होता है आपका. तो अगर मैं नंबर ऑफ पेयर निकालना चाहूं इन 200 MeV, तो वो कितना आएगा बेटा? 200 MeV को डिवाइड कर दो जितना एक पेयर को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए. बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई?
भाई दोस्त 1.02 MeV जो है वो मुझे एक पेयर प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए। एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की कितनी दे दी, 200 दे दी, तो 200 में कितने पेयर प्रोड्यूस हो सकते हैं, दैट इज डिवाइड बाय वन पेयर में जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उतने हो सकते हैं। बोलो यहां तक समझ में आया बेटा? यस सर। तो ये 200 डिवाइड बाय 1.02 कितना आ रहा है बोलिएगा सर? 196.08 196 तो इलेक्ट्रॉन और 196 पॉजिट्रॉन आपके फॉर्म में हो जाएंगे। क्लियर बेटा? बताओ ये चीज समझ में आई आपको? Yes, sir. तो ऐसे छोटे मोटे न्यूमेरिकल इस पर मिल सकते हैं, तो उनके लिए आप तैयार रहे। अब मैं दूसरा लिंक भेजूंगा आपके पास, उस लिंक को ज्वाइन करना, क्योंकि तो इसका काम पूरा हो चुका है। चलो सो मैं लिंक दूसरा भेजता हूँ, आप उसको ज्वाइन करना। किसी को इस पेज पे कोई दिक्कत हो या पीछे तो मैं रन कर लेता हूँ, बता दीजिए। हाँ जी चले। Yes, sir. तो दूसरा लिंक भेजता हूँ बेटा, वो ज्वाइन कर।